अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अर्णव जी, पापा जी अब ठीक है। आज अगर पापा को कुछ हो जाता ना पल्लवी, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जिस पिता का आप जैसा बेटा हो, उसके साथ कुछ गलत कभी कैसे हो सकता है? एक बात कहें आपसे, आज तक हमने आपकी आंखों में पापा जी के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा देखा था, लेकिन आज जब ये आंसू देखकर हमारी नजरों में आपकी इज्जत दुगनी हो गई है अर्णव जी, I am so proud of you। प्राउड होता पल्लवी जी। भाई आइए बैठिए। ये लीजिए। आज से पहले ना पल्लवी, मैं जानता ही नहीं था कि मेरे दिल में पापा के लिए नाराजगी के अलावा, नापसंदगी के अलावा कुछ और भी है। लेकिन आज जब उन्हें उन्हें वो खो देने का ख्याल मेरे मेरे दिल में आया ना, तो मुझे पता चला कि मैं उनसे प्यार भी करता हूँ। सारी नाराजगी से बढ़कर, सारी नापसंदगी से बढ़कर मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। और अगर आज तुम नहीं होती ना, तो शायद मैं उन्हें ये सब बताए बिना ही आज उन्हें खो देता। अब आप अपने आंसू पोछिए और खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप अपने पापा को भी बता पाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ऑफिस से कॉल है, भूल ही गया था मैं तो। हेलो हेलो मिस्टर अर्णव, ये कॉल आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए किया गया है कि अगले 20 मिनट में आपकी वाइफ को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। व्हाट, सिर्फ 20 मिनट में? क्या आप कुछ? हेलो जी, हम पहुंच जाएंगे। ओके पल्लवी, क्या किया तुमने? इतने स्ट्रेस में इंटरव्यू दोगी कैसे? हम खुद को संभाल लेंगे। लेकिन पल्लवी, अर्णव जी, आज जब हम दुकान में बंद थे ना, तो हमें लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप आ गए। कल जब हम पानी में थे तब हम उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, लेकिन फिर आप आ गए। शायद यही भगवान जी का इशारा है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल से जीत जाएंगे। प्लीज चलिए ना अर्णव जी, अब एक बार कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी तुम ऐसे इतना पॉजिटिव कैसे रह सकती हो? मुझे तुमसे प्यार तो हो ही चुका था, लेकिन अब हर पल ना मैं तुम्हारे प्यार में डूबता ही जा रहा हूँ। I love you more and more and more। अब चलिए। ये शर्मा रही है या जान के मुझे तड़पा रही है? सिर्फ 3 वर्ड ही तो ऐसे बोले क्यों नहीं जा रहे हैं? सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारे घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो सीधा वहीं से आ रहे हैं। आइए बैठिए। सिट डाउन। वेलकम एवरीवन, ये एक ग्रुप इंटरव्यू है। जैसे ग्रुप डिस्कस होता है, बिल्कुल वैसे ही आप सभी से एक साथ सवाल किया जाएगा।
और आपके सामने यही डिसाइड हो जाएगा कि आप इस जॉब के काबिल हैं या नहीं। ध्यान से देखिए इस कपड़े को और बताइए अगर इसमें कुछ कमी है तो क्या है, अगर ये खास है तो क्यों खास है। आपसे शुरू करते हैं। Well, first of all, this garment is nicely hand stitched, but a machine could have been better. The branding, not up to the mark. मिसेस पल्लवी, बताइए इन कपड़ों में क्या खास है? भोले बाबा की जय। This cloth. Sorry, Arnav ji, लेकिन शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। Sorry sir, but मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Like all of you, मेरा भी अभी तक यही मानना था कि हर चमकती हुई चीज हीरा होती है। लेकिन फिर मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि हर चमकती हुई चीज जरूरी नहीं है कि हीरा होती है, वो शीशा भी हो सकती है। और जो हीरा है वो एक ऐसी चीज है जो आपको कोयले की खदान में भी मिल सकता है। I'm so sorry सर, मैंने उस दिन आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था कि मेरी वाइफ को इंग्लिश बोलना लिखना और पढ़ना आता है, बल्कि ऐसा सच नहीं है। खुल ही नहीं रहा है, इसको किसी चाबी वाले के पास लेकर जाना होगा, इसमें कोई सबूत मिल जाए। पूरे परिवार को काले जादू के जाल में फंसा दिया है, सब मान गए कि रूही परिवार पे काला जादू कर रही है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8:30 बजे। पल्लवी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, लेकिन स्पेशली उसने इस इंटरव्यू के लिए कुछ ही दिन पहले इंग्लिश बोलना सीखा है। बस इसी वजह से वो थोड़ा सा घबरा रही है, बट ट्रस्ट मी सर, शी इज द बेस्ट। आप वो आपको प्रूफ करके दिखाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। पल्लवी बी कंफर्टेबल। पल्लवी शिवा ने तुम्हें सिखाया इंग्लिश बोलना, तो अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम यहाँ पे क्लास में शिवा के साथ हो और वो तुम्हारा कोई इम्तिहान ले रहा है। ओके, आई नो यू कैन डू इट। दिस cloth color will bleed. This cloth embroidery is asymmetrical. Thread are rough, so it will give rashes to the skin. That is all from my side. Thank you very much. Hey Baba Bholenath, लगता है कुछ गलती हुई है। Thank you.
कैसा था? कुछ वर्ड्स को छोड़ के बाकी सब सही था, परफेक्ट था। I'm so proud of you. Well done, Mrs. Shastri. Well done. आज आपने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। अगर उसे कोई दिल से चाहे तो कहीं भी प्राप्त कर सकता है अपने लगन से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वी डिड इट पल्लवी, हमने कर दिखाया। हाँ अर्णव जी, हमने कर दिखाया। पल्लवी पल्लवी पल्लवी, I'm so happy, finally मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा, finally मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। अर्णव जी, आपने जो सपना देखा उसे तो पूरा होना ही था, लेकिन हमारा तो वो सपना पूरा हुआ है जिसे हमने देखने की कभी हिम्मत भी नहीं की थी। जब ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम नौकरी कर पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू अर्णव जी, थैंक यू वेरी मच। क्या यार पल्लवी, इतनी सारी इंग्लिश सीखने के बाद भी तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अपने पति को थैंक यू कैसे बोलते? क्या अर्णव जी, आप भी, ये भी कोई जगह है? अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करने का मजा ही अलग है पल्लवी। फटाफट करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। चलो कि अगर तुम ये वाला थैंक यू नहीं बोल पा रही हो तो कम से कम आई लव यू ही बोल दो यार। हाँ ओके, तुम्हें इसमें तो शर्म आ रही है, तो मेरे पास एक आईडिया है जिससे तुम्हारी दिल की बात तुम्हारी जुबान पर आ सके। क्या? हमारी जोड़ी और हमारी जीत के लिए क्यों ना हम दोनों आज रात डिनर पे चले, जीत का जश्न भी हो जाएगा और तुम्हारे दिल का हाल भी पता चल जाएगा, फिर शायद उसमें हिम्मत हो जाए अपनी बात कहने की। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें किसी और को भी थैंक यू बोलना है। हमारी जीत का श्रेय उन्हें भी जाता है। और किसे? शिवा सर, अगर वो हमें नहीं सिखाते तो हम कहाँ इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते। हाँ ये बात भी सही है, तो क्यों ना तुम खुद शिवा को कॉल लगाओ और उसे बताओ कि तुमने क्या कमाल कर दिखाया। हेलो शिवा सर, वो क्या? लेकिन कैसे? क्या हुआ पल्लवी? शिवा सर का फोन किसी और के पास है, वो कह रहा है कि इस फोन हमने चुराया है, दोबारा इस नंबर पे कॉल करने की कोशिश मत करना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो क्या हुआ? कार्ती, क्या हुआ शिवा को? फोन चोरी हो गया है। पल्लवी यार, थैंक गॉड शिवा का सिर्फ फोन चोरी हुआ है, मुझे लगा कुछ पता नहीं क्या हो गया शिवा के साथ। तो हम बस ऐसे ही। क्या हुआ?
कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि जब तुम खुश होती हो तब भी कितनी सुंदर लगती हो, खूबसूरत लगती हो, और जब परेशान होती हो तब भी कितनी क्यूट लगती हो। चीज क्या हो तुम यार। वैसे जो तुम्हारे तुम्हारे माथे की शिकन चली जाए तो उफ। वैसे एक बात कहें आपसे, भगवान जी के पास मंदिर में माथा टेकने चले? हाँ? पल्लवी तुम ना, गोपाल का सच बता दिया ना हमने तुम्हें, तो अब क्या उस बात का बदला लोगी हमसे कृष्णा? बस तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन ये घर अब हमारा है और हम यहीं रहेंगे, और अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है ना तो तुम गोपाला के साथ जा सकते हो। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। शिवा का फोन आपके हाथ में कैसे सासू माँ? पर आप झूठ काहे बोल रही थी, वो भी आवाज बदल कर। सासू माँ कौन सी नई खिचड़ी पका रही हैं आप? कौन सी खिचड़ी, कैसी खिचड़ी, हमें समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे दामाद जी। नहीं कुछ तो है। अगर आप चाहते हैं कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को आपका सच पता नहीं चले तो आपको हमारा साथ देना होगा। धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। आज हमने जो कुछ भी किया है, अगर हम आज ये नहीं कर पाते तो अर्णव जी की हार की वजह बन जाते और ऐसा होना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। थैंक यू। पल्लवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी फिर से? हम वचन देते हैं आपको, बताइए क्या करना है। किसी को नजर नहीं आ रहा है लेकिन हमारे सर पे जो है बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, और वो मुसीबत का नाम शिवा है। शिवा को हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा। शिवा, आप शिवा को जान से मरवाना चाहती हैं सासू माँ? लेकिन क्यों? ये सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना बताइए कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। श्री श्री कर सकते हैं, करेंगे। हमारी शादी के वक्त हम दोनों ने फेरे तो लिए थे लेकिन मैं उन्हें फील नहीं कर पाया था।
मैंने तुम्हें वचन तो दिए थे लेकिन वो दिल से नहीं थे, इसलिए मैं वही सारे वादे फिर से तुम्हें देना चाहता हूँ पूरे दिल से। वो सारी फीलिंग्स फील करना चाहता हूँ जो दो प्यार करने वालों के मिलने पे आती है। गाड़ी का ब्रेक फेल, अब हो जाएगा शिवा की जिंदगी का भी ब्रेक फेल। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा पल्लवी, तुम्हारी चाहत मेरा रास्ता होगी और तुम्हारी खुशी मेरी मंजिल होगी। अब जिस रास्ते पर अपना कदम बढ़ाएंगे हमें हमेशा अपने साथ पाएंगे। आप अपने सपने को पूरा कर सकिए, इसी कोशिश में हम अपना जीवन लगा देंगे। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम होगी पल्लवी, सिर्फ तुम। तुम्हारे अलावा इस दिल में कभी कोई नहीं आएगा। सवाल ही नहीं उठता, अगर सपने में भी हमें आपसे दूर होना पड़े हम जी नहीं पाएंगे। मैं तुम पर कभी भी कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के देखी ना तो सच बता रहा हूँ दुनिया जला दूंगा। आप अंतिम के फेरों में बधू आगे चलेगी। आग तो दूर की बात है, दुख की एक चिंगारी को भी हम आपके पास नहीं आने देंगे। अपनी प्यार की बारिश से हर आग को बुझा देंगे।